वेलकम बैक स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम पिछले कुछ दिनों से डेवलपमेंटल बायोलॉजी के कुछ टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं और उसमें से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक फर्टिलाइजेशन वाला टॉपिक अभी हमारा चल रहा है। इसके मैंने तीन सब टॉपिक्स जो हैं वो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ। आज हम इसका फोर्थ पार्ट जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैं डॉक्टर कृष्णा मिश्रा, एसोसिएट प्रोफेसर जूलॉजी, सम्राट पृथ्वीराज चौहान, राजकीय महाविद्यालय अजमेर। इस प्रोसेस में, फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में, मैंने आप लोगों को बताया था कि मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन जो है वो कई स्टेप्स के अंदर कंप्लीट होता है, जो कि एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। और इन स्टेप्स में से हम जो कुछ स्टेप्स हम कंप्लीट कर चुके थे उनमें से एक है एनकाउंटर ऑफ स्पर्मेटोजोआ एंड ओवा, और दूसरा था कैपेसिटेशन एंड कॉन्टैक्ट। आज हम शुरू करेंगे एक्रोसोमल रिएक्शन एंड पेनिट्रेशन। एनकाउंटर ऑफ स्पर्मेटोजोआ एंड ओवा, जैसा कि हम पहले ही बता चुके थे कि स्पर्मेटोजोआ का और ओवम का एक दूसरे के समीप आना, उसके बाद कैपेसिटेशन एंड कॉन्टैक्ट यानी कि स्पर्मेटोजोआ जो है उसका एग के ऊपर चिपकना और उससे कॉन्टैक्ट बनाना। अब बहुत ही तीसरा वाला जो स्टेप जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है एक्रोसोमल रिएक्शन एंड पेनिट्रेशन। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है इन मोस्ट ऑफ द एनिमल्स, अधिकांश एनिमल्स में एग एनवेलप जो है वो बाहर की तरफ एक या दो मेम्ब्रेन्स या जिलेटिनस लेयर्स या फिर फॉलिकुलर कोशिकाओं की लेयर या फिर इन दोनों के द्वारा ही ढका हुआ रहता है। यानी कि एग एनवेलप जो है वो बाहर की तरफ, उसके बाहर की तरफ मेम्ब्रेन होती हैं या फिर जिलेटिनस लेयर्स होती हैं या फिर दोनों ही होती हैं। और ये जो लेयर्स होती हैं वो एग की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ होती हैं। पॉरीफेरा और सिलेंट्रेटा, इनके अंदर इस तरीके की लेयर्स नहीं पाई जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर एग की जो सरफेस होती है वो बिल्कुल नैक्ड होती है, उसके ऊपर किसी तरीके की लेयर नहीं होती हैं। ये जो लेयर्स होती हैं, एक्स्ट्रा लेयर्स जो कि एग की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ होती हैं, ये लेयर्स जो होती हैं स्पर्मेटोजोआ को पेनिट्रेशन को रोकती हैं। तो यानी कि एक तरह से ये बैरियर का काम करती हैं और इस तरीके से ये एक से अधिक स्पर्म्स को एग के अंदर आने से रोकती हैं। और इसके अलावा दूसरी स्पीशीज़ के एग को भी स्पर्म के अंदर एंटर होने से रोकती हैं। तो इनका क्या काम है इन लेयर्स का, कि एक तरह का बैरियर का काम करती हैं। एक बार यदि एक स्पर्म जो है वो यदि एंटर हो गया एग के अंदर, तो उसके बाद जो आने वाले जो स्पर्म्स हैं जिनको कि लेट कमिंग स्पर्म कहते हैं उनको रोकती हैं। इस तरीके से पॉलीस्पर्मी को रोकती हैं, यानी कि एक से अधिक स्पर्म जो है वो ओवम के अंदर एंटर नहीं कर सकते। और दूसरी बात क्या है कि दूसरी स्पीशीज़ का एग जो है वो भी स्पर्म जो है वो भी एग के अंदर नहीं एंटर कर सके। तो इस तरीके से एक बैरियर का काम करती हैं। जब स्पर्मेटोजोआ एग की सरफेस पर अटैच हो जाता है, चिपक जाता है, तो यह मोशनलेस हो जाता है। कैपेसिटेशन कॉन्टैक्ट में हमने बताया था कि किस तरीके से स्पर्म जो है वो एग की सरफेस पर आकर के उससे कॉन्टैक्ट बनाते हैं। एक बार कॉन्टैक्ट बनाने के बाद, अटैच होने के बाद, ये मोशनलेस हो जाता है, इसके अंदर जो गति है वो ख़त्म हो जाती है। इसका पेनिट्रेशन एग मेम्ब्रेन के द्वारा, और इसका पेनिट्रेशन जो है वो एग के अंदर एग मेम्ब्रेन्स और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा के अंदर होता है। और इस काम के अंदर, इस फंगस में कुछ फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ जो हैं वो स्पर्म के एक्रोसोम के द्वारा परफॉर्म की जाती हैं। सर्टेन एंजाइमेटिक प्रोटीन्स विच आर कॉल्ड स्पर्म लाइसेंस, दे आर प्रोड्यूस्ड प्रिजम्बली बाई द स्पर्म एक्रोसोम। ये माना जाता है कि स्पर्म एक्रोसोम जो होता है वो कुछ एंजाइमेटिक प्रोटीन्स का सिक्रेशन करता है, जिन्हें हम स्पर्म लाइसेंस कहते हैं। ये स्पर्म लाइसेंस जो है वो हर एनिमल ग्रुप के अंदर अलग अलग होते हैं, सेम नहीं होते हैं। कुछ केसेस के अंदर, इन सम केसेस, द डिसोल्यूशन ऑफ द एग एनवेलप इट मे बी ब्रॉट अबाउट बाई सिंपलर मीन्स। दस इट इज़ बिलीव दैट द जेली कोट ऑफ इकाइनोडर्मेट
इकाइनोडर्म्स एग्स इट मे बी डिजॉल्व एज अ रिजल्ट ऑफ एसिडिफिकेशन ऑफ सी वाटर बाय द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय द स्पर्मेटोजोआ इन द कोर्स ऑफ देयर रेस्पिरेशन। इकाइनोडर्मेट्स में क्या होता है कि इनके अंदर जो एग एनवलप होता है वो स्पर्म्स जब रेस्पिरेशन करते हैं तो उसके द्वारा निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड से सी वाटर एसिडिफाई हो जाता है, उसका एसिडिफिकेशन हो जाता है और उसकी वजह से इकाइनोडर्म के एग के चारों तरफ पाया जाने वाला जो एनवलप है वो डिसॉल्व हो जाता है। ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर एग जो है वो बहुत अधिक मोटी और रेसिस्टेंस एनवलप होता है, जैसे कि फिश और इंसेक्ट के अंदर होता है, तो स्पर्म जो हैं वो एग के अंदर किसी पॉइंट से किसी एक पॉइंट से एंटर नहीं कर पाते हैं और इनके पेनिट्रेशन के लिए स्पेशल कैनाल एग के अंदर, एग की जो एनवलप है उसके अंदर प्रेजेंट होती है। इस स्पेशल कैनाल को माइक्रोपाइल कहते हैं। ये माइक्रोपाइल जो है वो कोरियोन जो कि इनका एग एनवलप होता है उसके लेफ्ट में होती है। मैमल्स के अंदर जहाँ पर कि एग जो हैं ओवरी के अंदर रिलीज होते हैं, ये एग्स जो हैं वो फॉलिकुलर कोशिकाओं की एक लेयर के द्वारा एनकेस्ट रहते हैं, एक लेयर के द्वारा घिरे हुए रहते हैं। इस लेयर को कोरोना रेडिएटा कहते हैं। मैमल्स की ये जो कोरोना रेडिएटा होती है वो जिन कोशिकाओं की बनी हुई रहती है, ये कोशिकाएं जो हैं एक सीमेंटिंग सब्सटेंस के द्वारा एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। यह सब्सटेंस जो है वो हायलूरोनिक एसिड कहलाता है। हायलूरोनिक एसिड जो है उसका केमिकल नेचर म्यूकोपॉलीसेक्राइड होता है। इस तरीके से कोरोना रेडिएटा जो है बैरियर की तरह काम करती है और स्पर्म को एग के अंदर पेनिट्रेट करने से रोकती है। इस जो कोरोना रेडिएटा है उसके हायलूरोनिक एसिड को डिसॉल्व करने के लिए मैमल्स का जो स्पर्म है उसके एक्रोसोम से एक स्पेसिफिक एंजाइम जो है वो निकलता है, सिक्रीट होता है, जिसे कि हायलूरोनिडेज कहते हैं। और ये हायलूरोनिडेज एंजाइम जो है वो इस एडहेसिव सब्सटेंस को, चिपचिपे पदार्थ को डिसॉल्व कर लेता है और इस तरीके से कोरोना रेडिएटा जो है वो डिस्पर्स हो जाती है और स्पर्म जो है मैमेलियन एग के अंदर एंटर करता है। द ब्रेकिंग ऑफ मेम्ब्रेनस बैरियर इट इज़ नॉट ओनली मीडिएटेड बाय द लाइटिक एजेंट्स प्रोवाइडेड बाय द एक्रोसोम ऑफ द स्पर्मेटोजोआ बट द एक्रोसोम इटसेल्फ अंडरगोज मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस एंड फॉर्म्स एक्रोसोमल फिलामेंट विच हेल्प द स्पर्म पेनिट्रेशन इनटू द एग इंटीरियर। द एंटायर प्रोसेस वी कैन स्टडी इन द इकाइनोडर्मेट्स एनालिट्स एंड सेकोक्लासेस। तो ज़रूरी नहीं है कि ये जो बैरियर जो है वो केवल लाइटिक एंजाइम्स जो हैं उन्हीं के द्वारा तोड़े जाएं। कभी कभी ये होता है कि एक्रोसोम जो होते हैं स्पर्मेटोजोआ के वो खुद अपने मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस के द्वारा एक्रोसोमल फिलामेंट्स बनाते हैं और ये एक्रोसोमल फिलामेंट्स जो हैं वो स्पर्म को एग के अंदर पेनिट्रेट करवाने में हेल्प करते हैं। यहाँ पर हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि किस तरीके से एक्रोसोम जो है वो उसमें एक्रोसोम रिएक्शन होता है और पेनिट्रेशन होता है और इसकी स्टडी हम करेंगे सेकोग्लॉसिस में। पेनिट्रेशन एक्रोसोम रिएक्शंस ऑफ स्पर्मेटोजोआ ऑफ सेकोग्लॉसिस इट हैज़ बीन बेस्ट डिस्क्राइब्ड बाय कॉल्विन इन 1967। स्पर्मेटोजोआ ऑफ सेकोग्लॉसिस इट हैज स्फेरिकल न्यूक्लियस ऑफ फ्लैट टेल एंड एन एक्रोसोमल वेसिकल एट द फॉरवर्डिंग एंड ऑफ स्पर्म हेड। तो इसमें क्या होता है कि जो न्यूक्लियस होता है वो स्फेरिकल होता है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर इसका जो न्यूक्लियस है एक्रोसोमल न्यूक्लियस जो होता है वो स्फेरिकल होता है।
द एक्रोसोमल वेसिकल इट इज बाउंडेड बाई एन एक्रोसोमल मैम्ब्रेन एंड कंटेन्स अ लार्ज डेंस एक्रोसोमल ग्रेन्यूल. द ग्रेन्यूल इज सराउंडेड इन द लार्ज पार्ट बाई द फाइन ग्रेनी मटीरियल एक्सेप्ट एट द अपेक्स वेयर एन एपिकल स्पेस लाइज बिटवीन द ग्रेन्यूल एंड मैम्ब्रेन. द स्पेस बिटवीन द एक्रोसोमल मैम्ब्रेन एंड स्पर्म प्लाज्मा मैम्ब्रेन एंड ऑल्सो द स्पेस बिटवीन एक्रोसोमल मैम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मैम्ब्रेन दे आर फिल्ड बाई सम मटीरियल विच इज कॉल्ड पेरी एक्रोसोमल मटीरियल. यानी कि इसके बीच में जो होता है वो मटीरियल प्रेजेंट होता है जिसे कि पेरी एक्रोसोमल मटीरियल कहते हैं. यहाँ पर आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पर इस पर ये जो है पहला ये जो डायग्राम है इसके अंदर हम ये इनएक्टिवेटेड स्पर्म का है सेकोग्लोसस के. यहाँ पर ये जो बीच में है ये हैं एक्रोसोमल ग्रेन्यूल्स. दीज आर द एक्रोसोमल ग्रेन्यूल्स. ये कंप्लीट जो है एक्रोसोमल ग्रेन्यूल्स हैं. और ये जो यहाँ पर जो मटेरियल होता है ये इस जगह पर जो मटेरियल होता है इसको बोलते हैं पेरी एक्रोसोमल मटेरियल. दिस मटेरियल इट इज़ नोन एज पेरी एक्रोसोमल मटेरियल. और ये क्या है, दिस वन इज़ द एक्रोसोमल ग्रेन्यूल. तो ये है सेकोग्लोसस का डायग्राम जिसके अंदर इनएक्टिवेटेड स्पर्मेटोजो हैं वो दिखाई दे रहे हैं. एज द स्पर्मेटोजो ऑफ सेकोग्लोसस मेक्स इट्स इनिशियल कॉन्टैक्ट विद द एग एनवेलप द फॉलोइंग इवेंट्स अकर. जैसे ही सेकोग्लोसस का स्पर्म एग से चिपकता है तो सब जो कई इवेंट्स होती हैं, बहुत सी घटनाएं होती हैं, उनको हम वन बाय वन स्टडी करेंगे. इसमें सबसे पहला होता है बस्टिंग ऑफ एक्रोसोम. एक्रोसोम जो है वो बस्ट हो जाता है. अपेक्स ऑफ द एक्रोसोम इट बस्ट सो दैट द मैम्ब्रेन ऑफ स्पर्म एंड एक्रोसोम ओपन एपिकली एंड कॉन्सिक्वेंटली एक्सपोज द इंटीरियर ऑफ द एक्रोसोमल वेसिकल टू द आउटसाइड. द टू मैम्ब्रेन जॉइंस अराउंड द मार्जिन्स ऑफ द ओपनिंग. ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक्रोसोम जो है उसकी जो एक्रोसोमल की बस्टिंग हो जाती है, ये यहाँ पर फट गया है और एक्रोसोमल ग्रेन्यूल्स जो हैं वो इस जगह पर बाहर की तरफ निकल करके आ गए हैं. तो ये जो है बस्टिंग ऑफ एक्रोसोम कहलाता है. इसके बाद बस्टिंग होने के बाद जो दूसरा इम्पॉर्टेंट इवेंट होता है वो है रिलीज ऑफ लाइटिक एंजाइम्स. एक्रोसोमल ग्रेन्यूल is released and comes in contact with the egg envelope. It contains lytic enzymes which makes passes through the egg envelope. Therefore, shortly after its release, the acrosomal granule disintegrate and disappear. यहाँ पर acrosomal granules जो होते हैं वो एक्रोसोमल बाहर की तरफ आ जाते हैं और एक्रोसोमल ट्यूब्यूल जो है उसकी फॉर्मेशन होने लगती है. ये जो डायग्राम दिखाई दे रहा है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है एक्रोसोमल ट्यूब्यूल जिसकी फॉर्मेशन होने लगती है. नेक्स्ट जो स्टेप आता है फोर्थ, उसमें आता है एवर्जन ऑफ द एक्रोसोमल मैम्ब्रेन. सबसे पहले एक्रोसोमल जो ट्यूब्यूल होती है उसमें शैलो डिप्रेशन ऑफ द एक्रोसोमल मैम्ब्रेन क्लोजेस टू द न्यूक्लियस नाउ डीपन्स एंड सून लेंथन इनटू द लॉन्ग सिलेंड्रिकल एक्रोसोमल ट्यूब्यूल. द ट्यूब्यूल बिकम्स ट्वाइस एज लॉन्ग एज द स्पर्म न्यूक्लियस. स्पर्म न्यूक्लियस से करीब दुगनी लंबी हो जाती है. रेस्ट ऑफ द एक्रोसोमल मैम्ब्रेन एवर्ड्स एंड इज एडेड टू द एक्रोसोमल ट्यूब्यूल एट इट्स बेस. दिस इज सिंपली द अनफोल्डिंग ऑफ द ऑलरेडी कंटिन्यूस मैम्ब्रेन. नेक्स्ट वन इज द फ्यूजन ऑफ एक्रोसोमल ट्यूब्यूल विद एग मैम्ब्रेन. एक्रोसोमल ट्यूब्यूल ग्रेजुअली एंटर्स थ्रू द पैसेज ऑफ द एग एनवेलप विच हैज़ बीन मेड प्रीवियसली बाय एक्रोसोमल लाइटिक एंजाइम्स एंड अल्टीमेटली टचेज एंड फ्यूजेज द एग प्लाज्मा मैम्ब्रेन. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक्रोसोमल ग्रेन्यूल जो है वो लंबी होती चली जाती है और ये यहाँ पर ये वाली जो है वो एग की प्लाज्मा
मेम्ब्रेन है, इसके पास आकर के टच होती है। यहाँ पर जैसे ही ये इसके जितने समीप आती है तो एग की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर इस जगह पर कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स जो होते हैं वो बनने लगते हैं, दिखाई देने लगते हैं। नेक्स्ट है पैसेज ऑफ स्पर्म कंटेंट। फर्टिलाइजेशन कोन प्रोट्रूड्स फ्रॉम द एग एंड एनगल्फ एक्रोसोमल ट्यूब्यूल। द न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म इज ड्रॉन आउट टूवर्ड्स फर्टिलाइजेशन कोन। द एक्रोसोमल ट्यूब्यूल डिसॉल्व एलोंगेटेड न्यूक्लियस अलॉन्ग विद मिडल पीस ऑफ स्पर्मेटोजोआ इज एनगल्फ इन टू द एग साइटोप्लाज्म। द मेम्ब्रेन मेमेलियन स्पर्मेटोजोआ, ये तो था सेकोग्लॉसिस के बारे में। इन केस ऑफ मेमेलियन स्पर्मेटोजोआ इट दो द इट पॉसेस एक्रोसोम बट डू नॉट डेवलप एक्रोसोमल फिलामेंट्स। द स्पर्मेटोजोआ अपीयर्स टू कॉन्टैक्ट द सरफेस ऑफ द एग बाई इट्स लेटरल एस्पेक्ट। फॉलोइंग दिस एक्शन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द एग एंड द स्पर्मेटोजोआ डिसॉल्व एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट and the spermatozoan is drawn into the interior of the egg। तो ये complete process था कि किस तरीके से acrosomal reaction होता है, acrosomal जो है वो react करता है और egg की plasma membrane के अंदर penetrate करता है। next हम इसकी अगले mechanism का जो next point है उसको अपने अगले lecture में include करेंगे, वो है एक्टिवेशन ऑफ ओवम। तो हम एक्टिवेशन ऑफ ओवम से नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे।